उनसे ही बात कर ले सर, क्या उनसे ही बात कर ले सर, क्या नमस्कार। आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है और पत्रकार जनता की हर एक आवाज को अपनी आवाज के साथ, अपने कलम की ताकत के साथ उसे सरकार तक पहुंचाता है ताकि जनता की हर समस्या का समाधान हो सके। और पत्रकारिता करना उसका अधिकार भी है, लेकिन कुछ समय से चल रहे हैं पत्रकारों के साथ बदसुलूकी और उनके साथ हो रहे बुरे बर्ताव से पूरे पत्रकार जगत के अंदर एक भ्रम और एक डर सा उत्पन्न हो गया है। आज की घटना हमारे बीच आई है सरदार शहर चूरू से, जहां एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ सरासर तानाशाही रवैया प्रशासन का दिख रहा है। जी हां, ये घटना है सरदार शहर के जलदाय विभाग में। एक पत्रकार फर्स्ट इंडिया न्यूज का, जो कि अपनी रिपोर्ट की कवरेज के लिए गए थे, लेकिन अचानक वहां के अधिकारी गोविंद प्रसाद के द्वारा उनके साथ सरेआम बदसुलूकी की गई और उन्हें धक्का दिया गया, जिससे पत्रकार नीचे गिर गया और उसका माइक भी टूट गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रकार की कई घटनाएं जो है पहले भी राजस्थान प्रदेश में हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले ही पोखरण में एक पत्रकार पर सरेआम जानलेवा हमला भी हुआ था। तो आइए देखते हैं लाइव रिपोर्ट के साथ कि आज की घटना क्या रही और पत्रकार के साथ क्या हुआ सरदार शहर चूरू से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।